वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसीब अहमद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। मैं अपने गार्डन के आपको विज़िट करवाता हूं और काफ़ी सारे फूल नए निकले खड़े हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। चलें आज शुरू करते हैं, लेट्स गो। जो है इसके भी फूल निकले खड़े हैं, ये देखिए बड़ा प्यारा इसका फूल है और काफ़ी साइज़ भी ये आप देख सकते हैं, इतना एक बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके फूल काफ़ी सारे निकले खड़े हैं, अभी इनका अब स्टार्ट हो रहे हैं सीज़न, तो ये सारे जो है ना यहाँ पे फूलों से भर जाएगी जगह। और ये गुलाब भी खिले खड़े हैं। अभी अभी बारिश हुई है तो मौसम कुछ इस तरह का है, ये देखें बड़ा मज़े का मौसम है, ये देखें। जैकी साहब हमारे ये बैठे हैं, तो यहाँ से अब आपको आगे दिखाता हूँ। ये हो गए वो तोता फूल, ये देखिए इसके साथ ये है लोटस, एलिफेंट लीफ भी कहते हैं इसे। और ये एक फूल अकेला हुआ खड़ा है, ये देखें कौन फूल इसे शायद कहते हैं। और साथ जो है गुले दाऊदी की, यहाँ पे 3 से 4 कलर हैं जो साथ साथ मैंने इधर सारी क्यारी के साथ साथ लगा दिए। और ये बड़े प्यारे फूल हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये इसमें तकरीबन 4 से 5 कलर हैं। वाइट, वाइट में भी बहुत प्यारा, ये वाइट के साथ ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। यस आप देख लीजिए, इधर से भी ऐसे ही हैं। और ये एक बहुत प्यारा फ्लावर है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इसमें कितने प्यारी सी इसकी लाइनें हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। और ये अभी शाम होती जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, ये इसके ऊपर अभी सारी ये भी लगेंगी। इस पे भी लगना है। और ये हो गया पोपी के फूल, हो गए अब तो ख़त्म हो गया इनका टाइम। साथ ये हो गया, ये मैंने एक लगाया हुआ है, ये देखिए ये भी बड़ा प्यारा फूल है, ये इसी तरह ये जो उधर दिखाया था पर्पल में, और ये पिंक कलर है। ये भी, और ये नीचे अभी ये सारे खराब से हो गए हैं। साथ इस साइड पे दिखाता हूँ फूलों से, इधर ये देखें, ये मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, टमाटर भी लगे खड़े हैं ये। और नीचे से देखें, ये नीचे भी हैं और ये बेल इसके ऊपर जा रही है, इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ना काफ़ी ज़्यादा लगे खड़े हैं। तो ये एक फूल ये भी खिल रहा है, गेंडा भी अभी खड़ा हुआ है, ये देखिए। सारे फूल इस टाइम गार्डन में रौनक लगी हुई है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं।
और जो टायरों में थे वो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ये एक कुल दाउदी रह गया है, ये इसका तो अभी टाइम नहीं आया, तो ये अभी बाद में होगा। यहाँ से आपको मैं सारा दिखाता हूँ गार्डन, कंगी पाम का जो है वो भी निकलने वाले हैं दोबारा से, सागो पाम, और इसने भी टहनियाँ अपनी काफ़ी निकाल ली हैं, ये बेल लगाई थी उस टाइम, और इस पर भी फूल लगे हैं, इस पर भी लगे हुए हैं। बाकी ये बारिश की वजह से ना ये गमले इधर रख दिए ताकि बारिश में साफ भी दें। इसका जो है ना पत्ता डबल शेड में इस साइड पे भी ये सारे लगे खड़े हैं। चले जी अब आपको आगे ले चलता हूँ, एयरबड्स मंगवाए हैं, देखते हैं अब इसके बीच में से निकलता क्या है। ये अब तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, पहले खोल लेते हैं। प्रैंक ना हो जाए मेरे साथ। बिस्मिल्लाह, ये वाले मैंने मंगवाए थे तो डब्बा तो नहीं कही है। एक हाथ से ना वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल है, तो ये देखें जी ये कुछ इस तरह के निकले हैं, ये इनके साथ है जी, ऑन करके देखते हैं। हैं जी इस तरह के ऑन हो गए हैं, माशाल्लाह जिस तरह मंगाए थे निकले तो वही हैं। और यहाँ से इनका ये पावर बैंक भी है ना साथ, तो ये इसका चार्जर और पावर बैंक वगैरह यहाँ से लगेगा, वाटरप्रूफ हैं ये। तो थैंक यू द्रास, आपने सही चीज़ दी है, ये कुछ इस तरह के ये देखें, शुक्र है यही चीज़ जो मैंने मंगाई थी वही आई है। अब इनका साउंड वगैरह देखते हैं कैसा है साउंड, तो चलें जी। साथ इसकी तार वगैरह ये बल्कि इसके साथ मिले हैं, ये रबड़े वगैरह एक्स्ट्रा मिली हैं, और ये डाटा केबल भी मिली है और मैनुअल। अब इसको मैंने कनेक्ट किया है तो बड़े ही मज़े की इसकी आवाज़ है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। M10 है ये, तो बड़े ही अच्छे हैं एयरबड्स हैं। ओके जी, घर के अंदर हैं फ्लावर वगैरह लगाए हुए, वो आपको अब दिखाता हूँ जी। इन पे भी ऐसे ये भी
सब पे लगे खड़े हैं और कैक्टस ने काफ़ी बच्चे दिए हुए, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सब ने, और क्रैकर बेल भी काफ़ी अब बढ़ रही है, इसे छिपकली बेल भी कहते हैं। और कैक्टस ये एक बेल है छांव के लिए ही है। और सन रोज़ इस पे भी फ्लावर लगते हैं, लटकने वाली बेल है ये भी सन रोज़, इस पे भी काफ़ी अभी फूल लगेंगे। बंटी का पड़ा हुआ है, दूसरे साइड दिखाता हूँ। देसी गुलाब है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह के साथ ना काफ़ी ज़्यादा ये फूल लगे खड़े हैं, काफ़ी तादाद में, बहुत ही प्यारे खुशबूदार हैं ये। तो अभी मैं ये रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, तो ये जो है गवर्नमेंट ने बसें मंगवाई हैं बाहर से कॉलेज के लिए, तो ये फ़र्स्ट टाइम आई है, काफ़ी लंबी ये बस है, मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करते हैं, इसको भी वॉश कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।